भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है, और चाइना की जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी MSS। आज के इस वीडियो में हम चर्चा ये करेंगे कि भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है वो बेसिकली चाइना की MSS जो है उसके बारे में क्या जानती है और वो कैसे ऑपरेट करती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एक फिलॉसफी के बेसिस पे ऑपरेट करती है। आपको सुन के ये बड़ा आश्चर्य होगा, लेकिन हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी के पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक फिलॉसफी होती है, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की जो स्ट्रेटजी है, जो फिलॉसफी है, उसको बेसिकली बोला जाता है 1000 grain of sand, यानी कि सैंड के 1000 grains की स्ट्रेटजी। 1000 grain of sand स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहले ये स्ट्रेटजी को कंसेप्चुलाइज 1950 के दशक में किया गया था। 1950 के दशक में चेयरमैन माओ जो चाइना में था, उसने एक रणनीति के तहत ये डिसाइड किया कि वो चीन के जो लोग हैं उनको ट्रेन करके दूसरे देशों में बाहर भेजेंगे। चीन के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जब बाहर भेजे गए तो वो टूरिस्ट की तरीके से भेजे गए, और चीन की एक रणनीति थी कि वो टूरिस्ट को जब इन तरीकों से बाहर भेजेगा तो ये टूरिस्ट दूसरे देशों में जाकर कुछ टूरिज्म के काम के साथ साथ देश के लिए और भी काम करेंगे, और ये हज़ारों की मात्राओं में दूसरे देशों में भर भर के जाएंगे, जिससे कि चाइना को पूरे ग्लोब का, पूरे विश्व का क्या मुहाल है, क्या वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों की डे बाय डे लेवल पे इंटेलिजेंस मिले। इस स्ट्रेटजी के तहत, इस रणनीति के तहत चीन के टूरिस्ट जो थे वो दूसरे देशों में जाना शुरू हुए। जब ये दूसरे देशों में गए तो जाहिर सी बात है, जब आप टूरिस्ट बन के जाते हो तो दूसरे देश में आप खर्चा करते हो, और जब आप खर्चा करते हो तो दूसरा देश उस चीज़ को वेलकम करेगा कि आपके यहाँ से अगर टूरिस्ट मेरे यहाँ पर आएंगे तो उससे मेरा उत्पाद बढ़ेगा, मेरी आमदनी भी लोगों की बढ़ेगी। चीन ने ये रणनीति उस समय शुरुआत में साउथ ईस्ट एशिया के देशों से अपनाई, क्योंकि उस समय 1950 और 60 के दशक में वो खुद जो है स्ट्रगल कर रहा था, बहुत ज़्यादा पैसे चीन के पास खुद भी नहीं थे। तो 1950 और 60 के दशक में जब ये चीन के टूरिस्ट साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के देशों में गए तो वहाँ जाकर इन्होंने सबसे पहले दूसरे देशों में टूरिस्ट होने के नाते छोटे छोटे हैंडलर्स को फॉर्म करना चालू किया। इस स्ट्रेटजी को इंटेलिजेंस की लैंग्वेज में कहते हैं कल्टीवेशन ऑफ ह्यूमन एसेट्स, यानी कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा सोर्स होता है। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया के देशों में सबसे बड़ा एडवांटेज चीन के पास ये था कि बहुत सारे लोग चीन से एसोसिएटेड थे, और बहुत सारे लोग विश्व युद्ध दो होने से पहले चीन से किसी ना किसी प्रकार का नाता ज़रूर रखते थे। और तो और, इस काम में उस समय सहारा अगर किसी ने चीन का दिया तो चीन के डायस्पोरा थे, जो चीन का डायस्पोरा आज भी साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया के देशों में पाया जाता है। वो चीन का डायस्पोरा और कुछ नहीं बल्कि उसकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के लिए एक लिसनिंग पोस्ट है, एक इंटेलिजेंस लेवल का कलेक्शन सेंटर है। चीन ने जब 1950-60 के दशक में साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर पूरी पकड़ बनाई तो उसने एक डिसेंट्रलाइज्ड स्पाइंग एक्टिविटी का नेटवर्क पूरा क्रिएट कर लिया। इस डिसेंट्रलाइज्ड स्पाइंग एक्टिविटी में चीन ने जब टूरिस्ट भेजे तो ये टूरिस्ट वहाँ पर ट्रेड करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने लगे। टूरिस्ट जो है ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजनेसमैन बनकर वहाँ जाने लगे, और तो और टेक्नोलॉजी में व्यापार चालू हुआ। तो ये टूरिज्म एक कवर था, और इस स्ट्रेटजी को, इस रणनीति को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जब 1980 के दशक में समझ के, पूरा अंडरस्टैंड करके अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखने की कोशिश करी तो उस समय उसने इस डॉक्यूमेंटेशन में स्ट्रेटजी का नाम रखा लेयर्ड गैदरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। मल्टीपल लेयर्स हैं, एक लेयर है टूरिस्ट का, और टूरिस्ट के लेयर के नीचे दूसरा लेयर है ट्रेड का, ट्रेड के नीचे तीसरा लेयर है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के नीचे चौथा लेयर है व्यापार, बिजनेस का। तो मल्टीपल लेयर्स बनाकर अलग अलग रणनीतियों के तहत चीन ने एक बहुत ही ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये कार्य शुरू करा। 1970 के दशक में जब चीन के रिश्ते अमेरिका से इम्प्रूव हुए तो 1970 और 1980 के दशक में चीन ने यही रणनीति फिर यूरोप में और USA में लगाई। उसने भारी मात्रा में इन देशों में टूरिस्ट भेजे। टूरिस्ट जो थे, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ बिजनेस प्रोफाइलिंग, इन सारी चीज़ों में रुचि रखते गए।
वहाँ जाकर उन्होंने फिर से वही काम किया कि लोकल लेवल पे छोटे छोटे एसेट्स को नर्चर करना शुरू करा, देखना शुरू करा टूरिज्म के नाते कि कौन से लोग लॉन्ग रन में चीन को इंटेलिजेंस सप्लाई कर पाएंगे। चीन एक बड़ी पेक्यूलियर स्ट्रेटेजी अपनाता था, इसके टूरिस्ट जब किसी भी मान लीजिए यूरोपियन देश या अमेरिका में जाते थे तो वहाँ पर ये छोटे इलाकों में जाकर जो छोटे गांव वगैरह होते हैं उन गांव वगैरह का टूर करने के बाद गांव में जो लोकल दुकानें होती हैं या वहाँ का जो लोकल क्राफ्टमैन होता है इन्होंने उसके साथ एक नाता बांधने की कोशिश करी। उनका उद्देश्य ये था कि यदि हम इसके साथ नाता बांधते हैं तो इस नाते से हमको एक फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि जब ये आप नाता उस लोकल व्यापारी के साथ वहाँ पर बना लेते हो तो उस लोकल व्यापारी को आप लॉन्ग रन में ये कह सकते हो कि हम तुझे व्यापार चीन में देंगे, हम तुमसे चीज़ें मंगवाएंगे, हम तुमसे चीज़ें खरीदेंगे। और जब आप उसको एक ऐसे ट्रैप में फंसा लेते हो कि वो बंदा उसका पूरा व्यापार आपके ऊपर निर्भर हो जाता है, जो चीन ने पूरी रणनीति के तहत 1980 और 90 के दशक में यूरोप और यूएसए में किया, इसकी वजह से उसने लोकल लेवल्स में छोटे छोटे गाँव के इलाकों में अपने बेसिकली ये ह्यूमन एसेट्स तैयार कर लिए जो लोकल गांव की राजनीति, लोकल गांव के इश्यूज के बारे में चीन को डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस सप्लाई किया करते थे। और तो और चीन ने जो अपने जितने उसके दूतावास होते थे उन दूतावासों के अधिकारियों को भी इन लोकल व्यापारियों को सपोर्ट करने को बोला ताकि ये लोग भी वहाँ लोकल व्यापारी जो है चीनी दूतावास में जाकर चीनी दूतावास के अंदर जितने भी उनके एम्प्लॉयज़ थे उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन से लेके व्यापार करते रहें। तो व्यापार के कवर में इंटेलिजेंस एजेंट्स को नर्चर करना चीन की ये बड़ी पुरानी आदत है। 1990 के दशक में जब शीत युद्ध खत्म हो गया यानी कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, उसके बाद जब अमेरिका का दबदबा पूरे विश्व तौर पर हुआ, तब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये मानना है कि चीन ने उस समय 1990 के दशक में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अंदर लगभग 18 ब्यूरोज क्रिएट किए, एक एक ब्यूरो को एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। हमारे को 18 के 18 ब्यूरोज नहीं देखने, हमें ये देखने हैं कि उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ब्यूरो कौन से हैं। सबसे पहला ब्यूरो जो है उसको फर्स्ट ब्यूरो के नाम से ही जाना जाता है। फर्स्ट ब्यूरो जो है वो डीप कवर एजेंट्स बेसिकली पूरे दूसरे देशों में अपॉइंट करके उनको नर्चर करता है। एक डीप कवर एजेंट वो होता है जो दूसरी टेरिटरी में यानी कि एक होस्टाइल टेरिटरी में चला जाता है, वहाँ पर एक अंडर कवर एक प्रोफाइल बना के रहता है, किसी को भी भनक नहीं होती कि ये दूसरे देश का एक डीप कवर एजेंट है जो यहाँ रह रहा है, और एक बहुत ही प्रॉपर रणनीति के तहत वो बंदा उस होस्टाइल टेरिटरी में रह के या तो व्यापार करता है या किसी प्रकार का ट्रेड करता है या किसी प्रकार का हो सकता है कि वो दुकान ही चलाता हो, लेकिन वो उस टेरिटरी में एक लंबे समय के लिए चला जाता है। उसको एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है, उस आइडेंटिटी के तहत वो परमानेंटली उस जगह पे सेटल हो जाता है और वो वहाँ का एक परमानेंट ह्यूमन एसेट बन जाता है। चीन ने फर्स्ट ब्यूरो का प्रयोग करके भारत के अंदर भी बहुत सारे डीप कवर एजेंट्स भेजे हुए हैं। ये डीप कवर एजेंट्स यहाँ पर भी बहुत चुपचाप शांत तरीके से लंबे समय से रह रहे हैं, चीन को एक लिसनिंग पोस्ट बनकर डेली बेसिस पे इंटेलिजेंस इनपुट्स दे रहे हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो दूसरा है वो है सेकंड ब्यूरो। सेकंड ब्यूरो जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का, वो आज की डेट में जर्नलिस्ट्स को कवर करता है। चीन की जितनी जर्नलिज्म है यानी कि चीन के जितने भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो जिंदुआ के हों चाहे वो ग्लोबल टाइम्स के हों, ये सारे के सारे स्टेट मैनेज्ड लोग हैं। चीन के अंदर स्टेट ओन्ड एजेंसी है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर भारत में अपनी दूरदर्शन है उसी तरीके से चीन की अपनी स्टेट ओन्ड मीडिया है। और स्टेट ओन्ड मीडिया चीन की क्या करती है कि वो बेसिकली जर्नलिस्ट्स को ट्रेन करके दूसरे देशों में पोस्ट करती है। एक रणनीति है हर एक देश के तरफ से कि वो महत्वपूर्ण जितने भी उनके स्टेट ओन्ड चैनल्स होते हैं उनके ऑफिसेज को दूसरे देशों में बनाने की अनुमति देते हैं। इससे ये होता है कि उस देश के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी इवेंट हो, चाहे वो राजनीतिक हो या जनरल हो, उसके बेसिस पे न्यूज़ आप अपने होम ऑडियंस को दिखा सकते हैं। लेकिन आज की डेट में अगर भारत के मान लीजिए ANI के या भारत की दूरदर्शन के कोई अगर हमारे लोग पोस्टेड हैं बाहर किसी जगह पे तो वो भारत के जर्नलिस्ट हैं। लेकिन चीन ने एक रणनीति के तहत मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के सेकंड ब्यूरो के थ्रू जर्नलिस्ट्स को भी पूरा का पूरा इंटेलिजेंस ऑपरेटिव बनाकर ही बाहर भेजा है। और आज चीन के सारे जर्नलिस्ट्स बेसिकली जितने भी हैं ये सेकंड ब्यूरो ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी को रिपोर्ट करते हैं। वहाँ से इंफॉर्मेशन डेवलप करके
पूरे चीन की जनता के सामने पेश की जाती है। तो चीन के अंदर जो भी मीडिया इन्फॉर्मेशन है वो फ्री मीडिया नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन चीन पूरा डॉक्टर करके मॉनिटर करके वो ही दिखाती है अपनी जनता को जो चीन की सरकार दिखाना चाहती है। किसी प्रकार का कोई क्रिटिसिज्म परमिसेबल नहीं है, सिर्फ वही चीज़ें चीन के लोगों को सुनाई जाती हैं कि चीन एक बहुत बड़ा विश्व का विश्व गुरु टाइप का देश है, चीन जो है एक इस प्रकार का देश बन चुका है कि भाई सारे देशों की मदद करने का एक इकलौता अगर कोई देश है पूरे संसार का तो वो चीन अकेला है, और जी जिनपिंग जो है वो भीष्म पितामह से भी ऊपर सबके विश्व पितामह बन चुके हैं। तो इस प्रकार के जो जर्नलिज्म है कि सिर्फ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दिखानी और किसी भी प्रकार का थॉट प्रोसेस डेवलप ही नहीं होने देना कि जिससे कि लोगों को ऐसा लगे कि चीन में कोई खराबी भी है, वो सेकंड ब्यूरो मैनेज करती है। इसके बाद चीन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का ब्यूरो है तो वो है 10th ब्यूरो। 10th ब्यूरो बड़ा घातक है। 10th ब्यूरो क्या करता है कि बहुत ही सिलेक्टिवली और केयरफुली दूसरे देशों में भेजने के लिए स्टूडेंट्स को चुनता है। चीन की सरकार, चीन के राष्ट्रपति जब दूसरे देशों में ट्रैवल करते हैं तो वो भारत और जैसे दूसरे देशों के साथ जाकर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को साइन करते हैं। इन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को जब आप साइन करके आते हो उसके बाद आप अपने यहाँ से स्टूडेंट्स भेजते हो जो कि हमारे यहाँ से तो फॉर एग्जांपल जेन्युइन यूनिवर्सिटी के बच्चे जाएंगे, लेकिन चीन की तरफ से जो विद्यार्थी आते हैं वो विद्यार्थी कोई नॉर्मल विद्यार्थी नहीं होते। वो कोई किसी प्रकार की विद्या गैदरिंग करने के लिए नहीं किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में भर्ती होते, बल्कि उनका एक फेक प्रोफाइल बनाया जाता है कि ये इस कॉलेज में पढ़ रहा है और ये यहाँ पर ये रिसर्च कर रहा है, जबकि रियलिटी में वो व्यक्ति जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का एक स्पाई होता है, और वो स्पाई मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का 10th ब्यूरो की तरफ से एक ट्रेंड इंटेलिजेंस ऑपरेटिव होता है। भारत और चीन के बीच 2006 से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत बच्चे रेगुलरली हर साल चीन से भारत आते हैं, भारत से भी बच्चे चीन जाते हैं, लेकिन इस स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम जो अभी तक 2024 तक चल रहा है, आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर साल 100 से 150 चीन के ऑपरेटिव्स को इलीगली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बच्चे नहीं, मैं फिर आपको याद दिला दूँ, ये इंटेलिजेंस ट्रेंड ऑपरेटिव्स हैं जो कि बच्चे का भेष लेके रूप धारण करके भारत आ रहे हैं, और ये भारत जब आते हैं और ये भारत के जब इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं बड़े विद्यार्थियों के साथ बैठते हैं तो इनको स्टूडेंट्स के माइंडसेट को और स्टूडेंट्स के पल्स का पता चलता है। अब आप सोचेंगे कि विद्यार्थियों का पल्स पता चल जाने से चीन को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा होगा क्योंकि चीन आज की डेट में अगर आप सोच के देखें तो जितनी भी मोबाइल गेम्स बना रहा है, चीन आज की डेट में जितने भी मोबाइल सॉफ्टवेयर्स बना रहा है खास करके गेमिंग वाले, आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, ये सारी गेमिंग सॉफ्टवेयर्स जितने भी हैं ये सारों में वायलेंस क्यों दिखाई जाती है, और ये सारे की सारी गेमें जो हैं ये वायलेंस रिलेटेड ही क्यों होती हैं? क्योंकि चीन जितने भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के थ्रू भारत आया है उसने ये चीज़ जानी है कि यहाँ की जनता, यहाँ के जो बेसिकली हमारे स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका टेम्परामेंट बड़ा शॉर्ट है, वो बड़े वल्नरेबल से हैं, और उनको आज की डेट में ये प्रकार की ट्रेनिंग मोबाइल गेमों के थ्रू प्रोलिफरेट करके देना ये हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। और चीन आज की डेट में ये जो मोबाइल गेमिंग के थ्रू इन बच्चों को यहाँ पर अडिक्ट बना रहा है, कल को आने वाले समय में जब भारत के अंदर किसी प्रकार की सिविल वॉर जैसी परिस्थिति पैदा हो जाती कभी भी तो उस परिस्थिति में चीन को ये सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने में बहुत संभव नहीं लगेगा। क्योंकि आप इस चीज़ को समझिए कि मोबाइल गेमिंग के थ्रू बच्चों को अडिक्ट बनाना, आपने एक चीज़ देखी होगी जब अग्निवीर स्कीम को लेकर अभी हाल ही में 3 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ था तो आपने देखा था कि वो प्रोटेस्ट 18, 16, 17 साल के बच्चों ने कितना वायलेंटली किया था, ट्रेनें जला दी थी उन्होंने, रोड्स पे बसें जला दी थी। ये कोई आम प्रोटेस्ट होता है? प्रोटेस्ट करने के तरीके होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सरकार की नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट मत कीजिए, पर आप उस नीति के प्रोटेस्ट का इंटेंशन देखिए और उसकी इंटेंसिटी देखिए। ये जो वायलेंट प्रोटेस्ट था कि ट्रेनों को जला देना, डिब्बों को आग लगा देना, क्या ये 16, 17, 18 साल के जो व्यक्ति हैं क्या उनको ये बात शोभा देती है? उनके अंदर ये इतना वायलेंस का भरपूर जो भंडारा पिटा ये कहाँ से आया? ये आया इसी प्रकार की ट्रेनिंग से। तो 10th ब्यूरो जैसा मैंने आपको बोला था बहुत ही घातक है। इसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण दोबारा 11th ब्यूरो। चीन का जो 11th ब्यूरो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी का, ये ग्लोबल लेवल पे थिंक टैंक्स के साथ नेटवर्किंग करता है। बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं जो भारत के अंदर रह के चीन से पैसा ले के उनका एजेंडा चलाते हैं और ये एक स्पेसिफिक प्रकार का नैरेटिव ही बनाते हैं।
इस नरेटिव में वो बार बार ये चीज़ दिखाएंगे कि चीन भारत से ऊपर है, बार बार ये चीज़ दिखाएंगे कि चीन के सामने भारत को टक्कर देने की कोई औकात और हैसियत नहीं है। देखिए एक बात तो तय है, चीन अर्थव्यवस्था में, चीन कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर में, दोनों चीज़ों में ये बात फैक्ट है कि भारत से वो बहुत आगे है। लेकिन अगर वो भारत से आगे भी है तो इसमें घबराने की क्या बात है? हम अगर ये बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हमसे चीन आगे है, तो हम ये बात भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं कि हम मेहनत करके और आने वाले समय में कई सालों में कड़ी मेहनत करके हम चीन को टक्कर देने के बराबरी में भी आएंगे। लेकिन आप गेम को समझिए, 11th ब्यूरो के जो ये थिंक टैंक्स हैं, ये भारत के अंदर रह के एक नरेटिव बिल्डिंग और साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये राइटिंग करते हैं, चाहे ये अखबारों में लिखें, चाहे ये रिसर्च पेपरों में लिखें, चाहे ये रिसर्च पेपरों में लिखकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को भेजें, जो कि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ऐसे रिसर्च पेपर्स अपने विद्यार्थियों को पढ़ाएं, इसके थ्रू भारत के अंदर एक साइकोलॉजिकल लेवल पर एक थॉट दिया जा रहा है कि भारत के लोग चीन के साथ टक्कर नहीं ले सकते। उनके अंदर, इनके मन में एक ये चीज़ भरी जा रही है कि चीन आपसे इतना आगे निकल चुका है कि अब आपके लिए सबसे सूटेबल स्ट्रेटेजी यही है कि आप चीन के नीचे रहें और चीन को अपने अंडर आपको इस तरीके से रहना है कि आप उसको चैलेंज ना करें। तो ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, जिससे कि आपकी थिंकिंग को टारगेट किया जा रहा है, वो भी थिंक टैंक्स के थ्रू, और थिंक टैंक्स मैंने आपको बताया, ये सिर्फ रिसर्च पेपर और अखबारों में आर्टिकल नहीं लिखते, ये लिखने के बाद टीवी के डिबेट से लेके आज की डेट में यूट्यूब पे भर भर के बैठ के डिबेट देना, और सबसे बड़ी बात इनकी जो राइटिंग्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ तक पहुंचाया जाता है ताकि यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उन राइटिंग्स को पढ़ के अपने विद्यार्थियों को दें, ताकि वो विद्यार्थी भी इस थॉट को एक्सेप्ट करने लग जाएं कि भैया आने वाले समय में भारत चीन को टक्कर नहीं दे सकता। तो जितना घातक 10th ब्यूरो था, उतना ही घातक 11th ब्यूरो है। इसके बाद एक 18th ब्यूरो है जो हमारे काम का नहीं, वो इसलिए है क्योंकि 18th ब्यूरो जो है, भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को ये बात पता है कि ये बेसिकली जो है US में ऑपरेशंस करता है। तो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, चीन की रणनीति आज की डेट में भारत के सामने बड़ी सिंपल है। उसने भारत को हर तरफ से इंगेज करके रखा हुआ है, भारत के अंदर से चुपचाप रह के वो भारत को खोखला बनाया जा रहा है। और आप एक चीज़ को याद रखिएगा, चीन की रणनीति कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं होती। पाकिस्तान जैसा नमूना देश, वो बेसिकली क्योंकि इतना निकम्मा है, उसकी रणनीति हमेशा शॉर्ट टर्म होती है कि भाई चलिए कश्मीर में 2 बम गिरा दे तो हम लोग जो है आतंकवाद फैला लेंगे वहाँ पर। चीन उस तरीके से ऑपरेट नहीं करता है। चीन की रणनीति हमेशा ये रहती है कि मैं 15 से 20 सालों में इस देश के अंदर क्या बदलाव ला सकता हूँ। दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, भूलिएगा मत। पहली, जो मैंने आपको इस वीडियो में आज बताई कि चीन आपको मोबाइल गेमिंग में, वायलेंस में अडिक्ट बना रहा है। आने वाले समय में जब भारत के अंदर बहुत सारे कारणों की वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और वो फ्रस्ट्रेशन मान लीजिए, मैं नहीं कह रहा, पर मान लीजिए कि अगर वो कभी किसी प्रकार का एक सिविल वॉर की ओर सिचुएशन जाता है या कोई वायलेंट प्रोटेस्ट होता है, तो वो जो वायलेंट प्रोटेस्ट की इंटेंसिटी होगी, उस इंटेंसिटी ऑफ वायलेंस में चीन की ये गेमिंग का इम्प्लीकेशन आपको वहाँ पर होते हुए दिखेगा। जो यूथ है, जब ये वायलेंस करेगा तो ये वायलेंट यूथ का जो इम्प्लीकेशन वहाँ पे आपको दिखेगा, वो उस समय आपको समझ आएगा कि वो रणनीति कैसे अनफोल्ड हुई। और दूसरी, चीन आपके सोच के साथ खेल रहा है। चीन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि आपकी सोच इस प्रकार से बन जाए कि भारत के लोग सिर्फ ये सोचने लगें कि चीन के बराबर वो कभी नहीं आ सकते, और भारत के लोग यही सोचें कि रियलिटी ये है कि जब तक हम चीन के अंडर और उसके नौकर बने रहेंगे, हम सक्षम और खुश रहेंगे। तो आई होप आपको अब ये चीज़ क्लियर हो गई, और आप भी आने वाले समय में सावधान रहेंगे कि चीन के एजेंडा किस तरीके से आपके आसपास हर मोमेंट आपको लपेटे हुए हैं। बच के रहिएगा। धन्यवाद।